अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आई बिलीव कि लाहौर में भी बड़ी अच्छी ठंड पड़ रही होगी और आप लोग इस ठंड को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और मिजाज के अंदर बहुत तहम्मुल, बहुत सब्र आ गया होगा। अब वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रही होगी जिस तरह से गर्मियों में होती है। कोई बुला भी ले प्यार से तो उसको ऐसा जवाब कड़कता देते हैं कि अगला बंदा वैसे ही मुंह फेर लेता है। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते। अब पता नहीं कि वो लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक अच्छी लाइफ होना वो किस चीज़ को कहते हैं, मैं आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि एक अच्छी लाइफ, आपके पास मर्सिडीज़ होना, ऑडी होना ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ के लिए, या एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद खूबसूरत लोगों का ज़िंदगी में होना काफ़ी नहीं है। अगर लाइफ के अंदर हम लोग कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं और अगर आपके प्लान बहुत बड़े हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि द फर्स्ट रेसिपी ऑफ विजन मैनेजमेंट इज सब्र। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्र ही करके बैठ जाना है। जो इल्म हासिल किया है अब तक, जितना भी किया, चाहे आपने फोर्थ सेमेस्टर तक किया या बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली है या सेवन्थ सेमेस्टर में, इट डजंट मैटर, जितना भी आपने इल्म हासिल किया है, अब आपने उसको प्रैक्टिकली भी दुनिया में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपने उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं किया तो वो इल्म आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह। खुसूसी तौर पर उन चीज़ों के लिए तैयार रहें जब आपको रिजेक्शन होती है, क्योंकि रिजेक्शन के बाद ही आपके अंदर वो जज्बा, वो जोश, वो एक पोटेंशियल आता है कि अब मैंने कुछ नया और कुछ बड़ा करना है, मैंने रुकना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि ये दुनिया वाले, ये दोस्त, आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले आपके मुंह के ऊपर अल्फाजों के ऐसे थप्पड़ मारें कि आप शायद दोबारा कुछ बड़ा सोचें भी ना। तो अपनी प्लानिंग को, अपने इल्म को स्ट्रेटजिकली, पॉलिटिकली, प्रैक्टिकली ऐसे प्लान करें कि आप आने वाले चंद आने वाले सालों के अंदर दुनिया को अपने अल्फाजों से नहीं, अपने अमल से कायल करें, अपने अमल से बताएं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता लाइफ का, तब पता चलता है। जब आपके पास सब कुछ होता है तब तो लाइफ